रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं हुमा को देख रही हूँ कि हुमा जो है इतनी ख़वातीनों हज़रात डेडिकेशन के साथ प्यालियों को, दो प्यालियाँ इधर कर रही हैं तो तीसरी प्याली को चौथी। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम संदेश, क्या मतलब है आपका मेरे पास काम नहीं करने को? नहीं, काम तो बहुत ही ज़्यादा है कि सिंगर गाने गा रहे हैं तो रोमांटिक किस्म को और ये डोई मार रही होती है तो आप बड़ी डेडिकेशन आपकी होती है। लेकिन कैसी हैं आप पे हेयर स्टाइल? बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। अच्छा, शुक्रिया। और वेरी गुड। सर्दी है काफी, हाँ। बाहर और मुझे लग सुबह धुंध भी काफी थी, हाँ। और गेस्ट भी आज बड़े अच्छे और मजे की बात है। धुंध की आप बात कर रही हैं तो धुंध तो अभी भी, इवन जब मैं ऑफिस घर से ऑफिस के लिए निकली तो अभी भी धुंध थी। रात के वक्त न्यूज चल रही थी कि मोटरवे भी बंद कर दी गई है और लोगों को ये कहा जा रहा है कि रात के वक्त कम से कम आप लॉन्ग डिस्टेंस का सफर करें। तो खवातीनों साथ मौसम जहाँ पे अच्छा भी है बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, और खासतौर पर जो हमारे नॉर्दर्न एरिया जहाँ पे बर्फ पड़ी होती है। बच्चों की छुट्टियों का भी आगाज हो चुका है तो आप जरा प्लान करके, प्री प्लानिंग के साथ नॉर्दर्न एरियाज में जाइएगा क्योंकि बर्फ के अंदर रोड्स भी स्लिपरी हो जाती हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल जहाँ पे आप एंजॉयमेंट करते हैं वहाँ पे ये ना हो कि खुदा न खास्ता आप प्रॉब्लम हो जाए, आपको स्टक हो जाए ट्रैफिक के अंदर, सर्दी हो जाए, बच्चों को लग जाए। सो जरा प्लानिंग करके वेकेशंस को एंजॉय कीजिएगा। और साथ ही साथ खवातीनों साथ, आज 21 दिसंबर है, चार दिन बाद इंशाल्लाह 25 दिसंबर को कायदे आज़म डे बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। साथ ही साथ हमारे जो मसीही बरादरी के बहन भाई हैं वो क्रिसमस मनाते हैं पाकिस्तान के अंदर भी बड़े खलूस के साथ। क्रिसमस और जितने भी हमारे बहन भाई जो क्रिसमस मनाते हैं उनको मुबारकबाद दी जाती है। बल्कि मैं माल रोड से आ रही थी तो बैनर्स लगे हुए थे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस के लिए। क्रिसमस के जो क्रिश्चियन हमारे बहन भाई हैं उनको भी इन एडवांस मुबारकबाद दी जा रही थी। तो पूरी दुनिया के अंदर जो क्रिसमस है बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मनाया जाता है, बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। और हुमा, जो क्रिसमस केक होता है दैट इज़ वेरी फेस्टिव लुकिंग, वो बड़े मज़े से, वो जो रेनडियर्स होते हैं और वो सारा क्या, वो क्या तरीका होता है उसको बनाने का, और वो जो फिगर्स होते हैं बनाने के लिए? अच्छा, फिगर्स बनाने के लिए मैंने देखा है, नॉर्मली मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी जो लगती हैं जो केक के जो स्टॉल्स लगते हैं ना, डिफरेंट मतलब किसी भी केक शॉप के बाहर या डिफरेंट होटल्स जो हैं हमारे, हाँ। बड़े उनके बाहर जो केक्स लगाए जाते हैं जो बताया जाता है कि जी ये वैरायटी अवेलेबल है, उस केक की वैरायटी के साथ जो डिफरेंट किस्म की डेकोर होती है और लाइट्स होती हैं, हाँ। और जिस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं तो मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती हैं, हाँ। लेकिन उनमें से बहुत सी चीज़ें और जो डिस्प्ले पे लगी हुई चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें खाने वाले केक्स नहीं होते या खाने वाली चीज़ें नहीं होती। तो मेरे ख्याल से जो नॉर्मल स्पंज वाला केक होता है या नॉर्मल क्रीम के साथ केक होता है या बहुत ज़्यादा डेकोरेशन वाला केक होता है वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें, लेकिन जो क्रिसमस केक होता है उसमें तो नट्स वगैरह होते हैं, दैट इज़ वेरी स्पेशल। और बहुत सी ऐसी बेकरी शॉप्स हैं जो स्पेशली क्रिसमस केक जो है वो सिर्फ क्रिसमस पे ही बनाती है, इसी सीजन में बनाती है। स्पेशली इंटरनेशनली कुछ बेकरीज ऐसी हैं जो सिर्फ क्रिसमस के डेज में साल में एक दफा ही उनका स्टॉक आता है जी, ऐसा और ही वो हालांकि रह लेता है, उसकी एक्सपायरी होती है 15-20 दिन की, लेकिन वो खास क्रिसमस के लिए जो है वो केक्स और वो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सो भाई, विशिंग यू इन एडवांस वेरी हैप्पी क्रिसमस, और ऑब्वियसली कायदे आजम डे भी है उसको भी मनाया जाएगा बहुत जोश व खरोश के साथ। अच्छा जी, ब्रंच एट होम के फेसबुक पेज पर मैंने टीजर दे दिया, आज के जो मौजूद मेहमान हैं उनका तारुफ मैं करवा चुकी हूँ। ऑफिशियल तारुफ कराने से पहले हुमा क्विकली बताइएगा क्या बनाने वाली है। अच्छा संदेश, मैं बता रही थी कि आपने बताया छुट्टियाँ भी होगी और सर्दियाँ भी हैं और मौसम भी अच्छा, दिल तो करता है कि बाहर से जाके कुछ खाएं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आजकल जिंगर जो है ना वो बड़ा सबका, बच्चों का खास तौर पे दिल करता है जी बनाया जाए, तो मैं जिंगर के साथ शवारमा बना रही हूँ। जिंगर शवारमा बन रहा है और बड़ा मज़े का होगा, उसके अंदर गार्लिक मायो होगी, वेजिटेबल्स भी होंगी और चिकन जो है वो ऑब्वियसली जिंगर स्टाइल में होगा। इसके अलावा पोटैटो एंड बीफ का बारबेक्यू स्लाइडर मैं बना रही हूँ। मुश्किल नाम है ना? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, पोटैटो है उसके अंदर, बीफ है और बारबेक्यू स्लाइडर है, तो वो भी यकीनन एपेटाइजर है, पसंद आएगा, वन बाइट शेप में बनेगा। उसके साथ एक ड्रिंक बन रहा है, ऑरेंजेस सीजन में भी हैं मेरे पास भी पड़े हुए, उसके साथ और अनार के साथ एक ड्रिंक बनाऊंगी, वो भी उम्मीद करती हूँ कि हमारे गेस्टों को पसंद आएगा। वेरी गुड, और उसके बाद हमारा गला खराब हो जाएगा, ये तालियां बजाएं
खला तो होना ही होना है खराब, वो तो छोड़ ही दे। मुझे तो डॉक्टर ने, आपको पता है बड़े मजे की बात बताओ, मेरे तो स्मॉग की वजह से वो सांस का प्रॉब्लम ट्रिगर हो गया। डॉक्टर ने खास कहा तुमने शाम 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना। मैंने कहा अब ये कोई कर्फ्यू है? अब सोचिए मैं 5 बजे के बाद मुझे घर से बाहर कोई निकलने नहीं देता, क्योंकि कहते हैं जो तुम फिर हाँपती भी आओगी घर, क्या है मेरा सांस फूल रहा है, तो बहुत बेहतर है। तो मैं पिछले कुछ 10 दिनों से 5 बजे के बाद निकल ही नहीं रही हूँ। सो बहरहाल खैर, सो ज़रूर पीजिएगा लेकिन बर्फ़ मत डालिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, मेरी पहली मेहमान शख्सियत, सो शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, शी इज सच अ स्वीट हार्ट, शी इज सच अ डार्लिंग, शी इज अ लिविंग लेजेंड। और मैं जब इनको देखती हूँ ना, मुझे बड़ा मज़ा इनको देख के आता है। कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं ख़वातीन औज़ात कि जिनसे आपको इतनी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं कि आपको, आपका दिल करता है बस आप उनको देखते रहो। हमारे लिए तो हमारी बड़ी हैं, हमारी बुज़ुर्ग हैं। फोक मौसीकी का, क्लासिकल मौसीकी, सेमी क्लासिकल की बात करें, एक बहुत बड़ा नाम, एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखती हैं और पूरी दुनिया के अंदर अपना आप मनवाया। मौसीकी की दुनिया में बेशुमार अवार्ड से इनको नवाजा गया, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड वो प्यार और अपनाइयत, जिसकी वजह से आज भी लोगों, आप लोगों के दिलों में वो राज करती हैं। अगर सदारती अवार्ड्स की बात करें तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया, सितारा इम्तियाज से नवाजा गया, बेशुमार, द लिस्ट इज़ एंडलेस। हमने कहा इनको जो बुलाया जाए, सो इनको हमने बिठाया हुआ ख़ास तौर पर कि बैठ के आराम से बातचीत होगी। इनकी बेटी को भी साथ बुलाएंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं द लिविंग लेजेंड सुरैया मुल्तानिकर जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। थैंक यू सो मच। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आपका जो हमारे लिए ऑनर है सबसे पहले तो मैम, और बिल्कुल शो के लिए भी ऑनर है ऑब्वियसली, लेकिन वो आपका नाम लेते हुए ना मैं थोड़ी फमलिंग कर गई कि तलफ़ुज़ ठीक मैंने नाम का आपके लिए? नहीं, तलफ़ुज़ ठीक था मगर थोड़ी सी अटकी है, थोड़ी सी अटकी। हाँ नहीं ना, दोबारा से सुरैया मुल्तानिकर जी। सुरैया तो बहुत नाम है, ऐसे ही जल्दी से वो मुश्किल नहीं है। ऐसा ही, ऐसा ही। थैंक यू सो मच। नाम है, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। आप लोगों का शुक्रिया कि आपने बुलाया प्रोग्राम में। नहीं नहीं, थैंक यू। अब आपकी साहबजादी को बुलाएं, द वेरी टैलेंटेड। अच्छा पहले तो दो जुमले, बहुत सारी बातें उनके बारे में तो हमने करनी, पहले कुछ उनका तारुफ आप अपने अल्फाज में, फिर मैं उनको बुलाऊंगी। सबसे बड़ी बात है राहत मेरी बेटी है, मेरी सबसे छोटी बेटी है, मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं, उनमें सबसे छोटी राहत है, पढ़ाती भी है और गाने का भी उसको शौक़ है, और अपने सर पे गाई है। मुझसे मैंने कहा नहीं तुम पढ़ो, मगर उसको इतना शौक़ है गाने का अब तक कि वो अपना लगी हुई है उसमें। हाँ बिल्कुल। और हुकूमती सतह पे इनको तमगा इम्तियाज से नवाजा गया है। अगैन वही प्यार, वही अपनाइत, अपनी वालदा की लेगेसी को आगे लेकर बढ़ी अपने ख़ास अंदाज में। अगैन शी इज़ अ डार्लिंग, शी इज़ अ स्वीट हार्ट हर सेल्फ एज वेल, और ख़ास तौर पे बहुत सारे यंगस्टर्स को इंस्पायर कर रही हैं, इंग्लिश पढ़ा रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बड़ी बड़े तालीमी इदारे के साथ मुंसलिक हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राहत मुल्तानिकर। अस्सलाम वालेकुम राहत, कैसी हैं आप? पहले जरा खड़ी हुई ख़वातीन औज़ात, प्लीज राहत के शूज पहले देखिएगा, ये जरूर है देखना, हेड टू टो इनके शूज एंड इट्स ब्यूटीफुल, और ये एक्सेसरीज कितना ऐड ऑन करती हैं, है ना? प्लीज आइएगा। एंड आई ऑलवेज लव द फैक्ट के राहत आप हमेशा बहुत properly तैयार होती हैं। हाँ मैंने हमेशा आपको ऑब्जर्व खास की है। बहुत शुक्रिया। टेलीविजन की हद तक आम रूटीन में बहुत सिंपल होती हूँ। मेरी कलीग्स और मेरी फ्रेंड्स कहती है कि तुम जैसा मीडिया में तुम तैयार नहीं होती। मैंने कभी, मुझसे आम रूटीन में बिल्कुल सादा रहना पसंद है, और बस टेलीविजन पे आने के लिए या किसी शो में जाऊं तो फिर नहीं। बट यू नो कि आपने कैसे कैरी करना होता है, ये यू नो द आर्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा जी अगले मेहमान को बुलाएंगे। अच्छा जी माइक लग गया दूसरे मेहमान को भी। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हमारे जो ये मेहमान शख्सियत है, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन एट ऑल। ख़वातीन औज़ात कॉमेडी की दुनिया का एक बहुत जाना हुआ मंझा हुआ नाम, स्टेज की बात करें जो कॉमेडी सटायर शोज हैं उनकी जान है, ड्रामों में काम करते हैं, फिल्म्स में बहुत सारा भाई, और एक लेगेसी को आगे लेकर बढ़े। हमारे साथ मौजूद हैं हनी अलबेला। अस्सलाम वालेकुम हनी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आपकी सालगिरह भी थी मुझे बताया जा रहा है। जी पिछले दिनों 17 दिसंबर। हाँ जी। कितनी हुई थी? ये अभी तय कर रहे हैं। अच्छा इसलिए तो मैं बता
थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, अगले मेहमान को बुलाएंगे। ही इज यंग, ही इज चार्मिंग, ही इज डायनेमिक, फिल्म में काम किया है, प्लेज में काम करें, ही इज अ मॉडल एंड माशाल्लाह से यंगस्टर्स को इंस्पायर करें। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मनान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप मनान? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो एंड यू लुक फ्रेश एंड यंग। सर्दियों में तो बंदा थोड़ा थोड़ा सा डल हो जाता है। बहुत डल है ना मैम? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। सर्दियाँ अच्छी लगती हैं? जवानी में अच्छी लगती थी, अपनी अच्छी लगती। आप अभी भी जवान हैं, ये क्या बात हुई? अब बूढ़े हो गए हैं तो सर्दी ज्यादा लगती है। ऐसी उस सर्दियों में जब जवान थे उमंग जागती थी, गाने को दिल करता था, बाहर जाने को दिल करता था, अपने रिश्तेदारों में बैठने को दिल करता था, मूंगफली खाने को दिल करता था। अच्छा, हालांकि मना थी गले के लिए मूंगफली। अच्छा, उस वक्त और मशागल थे, अब बुढ़ापा है सही तो उसमें जरा संभाल के रखते हैं अपने आप को, ना गिरे, ना कोई ऐसी चीज खाए और ना सर्दी लगे, ना कमर में दर्द हो, ना घुटनों में दर्द हो। सही, ये सब चीज़ें। और एक वक्त ऐसा था, आपको याद बेहतर होगा, आप बता सकते हैं कि वो फैमिली इकट्ठे बैठा करती थी, अपने बैठा करते थे, मूंगफलियाँ खाया करते थे, ड्राई फ्रूट्स होते थे। अब तो वो रिवाज, अब एक दूसरे को कहानियाँ बताते थे, कोयले की अंगीठी होती थी बेटे, पूरा उसमें बुजुर्ग भी होते थे, किस्से सुनाए जाते थे, बातें की जाती थी, अदब सिखाया जाता था, उठना बैठना होता था, वो बातें चली गई हैं। अब तो बेटा भी माँ को कहता है माँ माँ क्या कर रही हो। अब तो उर्दू हम में आ गई, इंग्लिश हम में आ गई, हमने अपनी ज़ुबानें छोड़ दी हैं, अपनी उर्दू भी हमारी ज़ुबान है, मगर जब हम वहाँ पर राहत और मसरेकी बोल रहे हैं तो उसमें उस अंग्रेज़ी की तरह से आ जाती है। मुझे गुस्सा लगता है, कि कल्चर अपना होना चाहिए। आप बताएं अंग्रेजी कहाँ से आती है? आप तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी इंग्लिश पढ़ाती हैं। घर में अम्मी ने हमें हमेशा सराइकी और अपनी जो जबान है वो बोलना, बाहर जाहिर है ऑफिशियली और फिर आप यूज करते हैं उसको। हम मैंने कभी लड़ाई वड़ाई करे या गप लगाए अंग्रेजी तो हमें बहुत माइंड करते हैं कि भाई ये घर में तुम मैंने लड़ती है ना कि जो है ना वो बोले। अच्छा, अंग्रेजी में लड़ाई होती है अक्सर? अंग्रेजी में भी होती है। मुझे तो बताओ किस चीज पे लड़ रही हो, मैं भी तो सुनूं। मगर अम्मी जी को वैसे अंग्रेजी बोलनी वो नहीं आती, मगर अंग्रेजी फिल्में बहुत देखती हूँ और समझ भी जाती, मेरे से ज्यादा समझती हैं। बिल्कुल सही, माशाल्लाह उनका वो वाला तजुर्बा बहुत बिल्कुल सही। सो देन वालदा की बात करें, राहत, इतना बड़ा नाम है मैम का, एक लेगेसी है, फिर जिम्मेदारी तो बहुत होती होगी। बहुत ज्यादा। सब लोग कहते हैं कि वो अम्मी इतना अच्छा गाती है, तुम इतना अच्छा नहीं गाती, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी, तो मुझे खुशी होती है। मुझे लोग समझते हैं कि मैं जेलस हूँ, एक दो फ्रेंड्स चिढ़ाते हैं कि आप अपनी अम्मी से जेलस हो रही है। मैंने कहा लोग, मैं तो फख्र महसूस करती हूँ कि मेरी माँ है, मेरा तारुफ है, मेरी मोहब्बत है, मेरी जिसे कहते हैं ना मेरी इंस्पिरेशन भी जाहिर है वो ही है बेसिकली। हाँ, तो आई फील सो प्राउड ऑलवेज माशाल्लाह। बिल्कुल सही, और बहुत मुझे खुशी होती है, बहुत ही ज्यादा खुशी, तो एक छोटा लफ्ज है। बिल्कुल सही मैम, आपकी बात करें, एक लेगेसी आपके साथ है, मलका तरन्नुम नूर जहां की बात करें, इकबाल बानो जी की बात करें, फरीदा खानम जी की बात करें, मेहदी हसन खान साहब की बात करें, आपकी बात करें, फिर आप भी उनके हम हसर ऑब्वियसली, सो वो यादें शेयर करें उस दौर की, वो गोल्डन टाइम था जब काम होता था, क्वालिटी पे ज़्यादा एम्फसिस दिया जाता था, रिहर्सल्स होती थी बहुत सारी, थोड़ा सा मैं ज़रूर चाहेंगी कि नाज़रीन को बताइए। ये देखिए बेटी, जो हमारा दौर था ना, बहुत बड़ा दौर था, गाने के लिहाज से भी, अदब आदाब के लिहाज से भी, रख रखाव के लिहाज से भी बहुत बड़ा दौर था। घर की तरबियत होती थी, उस्ताद की तरबियत होती थी। अब उस्ताद आता है महीने पर 15,000-10,000 पे आता है, एक घंटा आधा घंटा सिखा के चला जाता है ना, वो आपको सलाम ना आदाब ना इजाज़त ना कुछ भी नहीं। ये अब वो दौर नहीं है। हमारे उस्ताद तो अगर किसी को ऐसे आंख उठा के भी देख लिया तो कहते हिश, आंखें नीचे करो, ऐसे नहीं देखना किसी, ऐसे फजूल बात नहीं करनी। रेडियो पे हम आते थे, छोटी उम्र होती थी जब शुरू किया रेडियो से, क्लासिकल शुरू किया, उस वक्त शिमला पहाड़ी के पास होता था वो गवर्नर हाउस के पीछे, ठीक है, बाद में ये बिल्डिंग बनी उसकी अपनी, तो वहाँ पे जाया करते थे माल पे, उस वक्त टांगे पे आया करते थे हम लोग, वहाँ सारी टांगा खड़ा ही रहता था, हम जब तक रेडियो पे रहते थे 6-7 घंटे टांगा ही खड़ा रहता था। वो घोड़े वाला दरख्त के नीचे टांगा घोड़ा अपना खोल के खड़ा कर देता था, फिर हम वापस जाते, ठीक है, जिस होटल में भी होते थे। उस वक्त की यादें बहुत अच्छी हैं बेटे, और वो बड़ा दौर था गाने वालों का, बजाने वालों का, तबले का, सारंगी का, और गाने वाला एक से एक बढ़ के था, सब क्लासिकल दौर था। मेरे बच्चे कॉन्फ्रेंसें होती थी, रेडियो पे होती थी, टीवी का उस वक्त दौर, टीवी आया ही नहीं था उस वक्त, और वैसे भी कॉन्फ्रेंसें मुकाबले नहीं होते थे, मगर हर एक हसद भी नहीं होता था, मगर एक
वो होती थी कि मैं उससे बढ़ के गाऊं, कैसे एक होता है, लेकिन हसद नहीं थी, नेगेटिविटी नहीं थी, एक दूसरे की टांग खींचना नहीं था, एक दूसरे का पीठ पीछे गिला नहीं था बेटे, है ना, अदब अदाब बहुत था, चाहे दिल के अंदर कुछ भी है, हसद है, जल रहे हैं, जो भी है, मगर बज़ाहिर ऐसा होता था माहौल तहजीब वाला और बड़े रख रखाव वाला कि दिल खुश होता था। ऐसा ही अब मेरे बच्चे अब वो नहीं है, हम लोग हैं पुराने, एक दूसरे को प्यार से मिलते हैं, जैसे ये बच्चे अब जवान हो गए, म्यूजिशियन बैठे हैं, मगर हमें इनसे वैसे ही प्यार है जब ये छोटी छोटी यहाँ टीवी भी होती है, वो हमारी अपनी मोहब्बत है, इनमें शायद वो ना हो, वो बात ना हो कि अदब क्या होता है, आदाब क्या होता है, हम पुराने लोग हैं, हम ये कहते हैं जो इतना गाया है तो वो तो इतना अजीम है कि उस जैसा अब नहीं होगा, जैसे खान साहब सलामत गा के चले गए, जैसे फरीदा खानम गजल गा के, वो क्लासिकल भी गाती थी मगर गजल पे ज़्यादा जोर होता था, और इकबाल बानो साहबा गज़ल ठुमरी बहुत आला गाती थी, ऐसे लोग रोशन आरा बेगम तो बहुत बड़ी गाने वाली थी ना मेरे बच्चे, वो तो इंडिया पाकिस्तान की दोनों बड़े सगीर की बहुत बड़ी गाने। बिल्कुल सही मैम, मैं कुछ वाकयात भी आप और ख़वातीन उस्ताद, आप कोई वाकयात जानना चाहें, कोई ऐसी बात जानना चाहिए, मोर देन वेलकम, फेसबुक के ऊपर आप मैसेज कीजिएगा, आप लोगों के नाम भी शामिल किए जाएंगे, सवालात भी होंगे और जवाबात भी लिए जाएंगे। अच्छा हनी, सालगिरह पे आते हैं ना वापस, राहत आपने भी सवाल करने हैं, मनाना तो करूँगी, मुझे बहुत पसंद है, क्या क्या चीज़ इनकी पसंद आपको है, इनकी इतनी अच्छी, ये बड़ी शायस्ता कॉमेडी करते हैं, ये इनका सबसे पॉइंट अच्छा है ये कि इनकी शुस्ता कॉमेडी होती है, खतरा नहीं होता कि सामने वाले को कुछ ऐसी बात ना बेसाख्ता, ये बड़ी अच्छी बात है, सोच समझ के या लिखी पड़ी हुई नहीं होती, बेसाख्ता ही होती है, ऐसा ही है। बेगम पे कभी जुगत मारी या नहीं? नहीं, रोटी नहीं खानी, दरवाजा नहीं खुलवाना, नहीं ये एक ऐसा सिस्टम है कि इसको छेड़ना जो है ना मुनासिब नहीं है। बड़ी अच्छी बात है। मैं बड़ा आज प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं सुरेश जी के साथ और इनको देखा, इनको सुना, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बड़े फख्र और बड़े प्राउड की बात है, और मेरे लिए इनके जो लफ्ज है वो मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है, तो बस इन बड़ों की दुआओं से हम इस चीज को आगे लेके चल रहे हैं। तो इनकी एक बात मुझे याद आ गई कि वो जिस तरह सर्दियों के दिन हुआ करते थे, तो बच्चे अक्सर हम अपने बड़ों के साथ रजाइयों में बैठते थे, बिल्कुल ऐसे नानियां दादियां कहानियां सुनाती थी, तो उस वक्त ड्राई फ्रूट की इतनी जो है ना वो किल्लत नहीं थी, इतना महंगा नहीं था, तो उस वक्त वो कहानियाँ सुना के बच्चों को सुला देती थी, तो आज के जो बच्चे हैं वो कहानियाँ भी सुनते हैं और ड्राई फ्रूट भी खाते हैं। अच्छा, वो ड्राई फ्रूट से मेरी एक वो है कि अंगीठी हमारी नानी भी शाम को जलवा के ना अंगीठी कोयलों की वो कर दी, तो मुझे बड़ी शरारत ये सूरती में सबसे छोटी थी कि मूँगफली खा के ना वो मना होता था कि उसमें आपने कुछ फेंकना नहीं क्योंकि वो फिर धुएं से कम, तो मेरी ये जरूर शरारत है, थोड़ी देर के बाद ना मूँगफली छील के तो 20 मिनट, तो फिर सबसे पहला जो थप्पड़ है वो मुझे ही पड़ा, लेकिन आप सबसे लाडली भी रही है, आप सबसे लाडली भी रही है, सब बताते थे किसने फेंका है क्योंकि मेरी याद, और टिश्यू भी, टिश्यू डाला तो धुआं उठना, और हमारे लिए बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि धुआं उठ रहा है, लेकिन उसके नुकसान आते होते कि सारे दरवाजे खोलने पड़ते थे, चिक्के उठवाने पड़े कि भाई सारा धुआं जो है वो मजा, असल में इस बात का मना ना था, जिस चीज से बड़े मना करें ना जब आप छोटे होते हो वही चीज करनी है, पता नहीं क्यों दिल बड़ा करता है करने को, आपने कभी बचपन में ऐसी शरारतें की? बहुत ज्यादा, मैं मुझे ये काइट फ्लाइंग का बड़ा शौक था, ये गुड्डियां जो उड़ाना बहुत शौक था, मेरे वालिद साहब फाड़ देते थे वो पिंडलियां बनाते थे ना, हम जो डोर पकड़ते थे उसको लपेट के ना इतनी बड़ी बड़ी पिंडलियां बना लेंगे, वो जला देते थे, मुझे बड़ा ना फिर मैं मुझे बड़ा शौक था ये शुरू से, ये तो शुक्र है बंद हो गई है, आप ही की वजह से मुझे लगता है बंद हुई है, देखिए बंद नहीं होनी चाहिए, जो सेट पहले बड़ी बड़ी अच्छी डोर बनती थी और वो कभी भी इस तरह के वाकयात नहीं हुए, लेकिन अब आके वो जब ऐसी डोर जो इंडिया से आना शुरू हो गई है जिससे लोग कटना, लेकिन वही बात है बंद नहीं होना चाहिए, अगर सही तरीके से काम किया जाए तो उसको किया जा सकता है, इस फेस्टिविटी को जो जो डोर है उसको उसको बंद होना चाहिए, उसको बैन करने के लिए सबसे ज्यादा रोल तो इन्हीं का है, जो ये काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है ऐसा ही है, इनका रोल है, इन्हीं की वजह से है क्योंकि वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई और इतनी ज्यादा फैल गई जी, और लोगों की छोटी छोटी खुशियां आप उनसे क्यों छीने बच्चे, और ये हमारा कल्चर भी है, फेस्टिविटी भी है, बेटा बाप सब इकट्ठे होकर छतों पे आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, एक अच्छी चीज है, अच्छी चीज है,
लेकिन अच्छे तरीके से, सस्ती गेम भी है, जगह भी थोड़ी लेते हैं, घर की छत में लोग घर में भी होते हैं, और आप अच्छे फैमिली मोमेंट शेयर एक दूसरे के साथ करते हो। अच्छा ख्वातीन आज़ाद, सो राहत आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे, जरूर पहली क्या परफॉर्मेंस आपकी होगी? चूंकि हमारा ताल्लुक मुल्तान से, सराइकी हमारी जबान है, तो मैं तो चाहूंगी कि सराइकी गीत आपको कोई सुनाए। बिल्कुल, तो सराइकी में अगर अनाउंसमेंट भी कर देंगे और मुझे आपने सिखानी भी है सराइकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं राहत मुल्तानी कर रहा हूँ, पर इस सामने मैं सराइकी गीत पेश करेंगे। वाले मोड़ मुहारे
जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन आज़ाद। और हमारे साथ हमारी लिविंग लेजेंड मौजूद हैं सुरैया मुल्तानीकर जी, के लिए बहुत सारे मैसेजेस मैम आपके लिए आ रहे हैं। नज़ीर अहमद कह रहे हैं चनियोट से जी कि आपको देखकर दिल खुश हो, मेहरबानी अल्लाह उन्हें खुश रखे, तंदुरुस्ती से रहें। थैंक यू सो मच। और फरमाइश भी की है मैम से, तो हमने सुननी है, लाइव परफॉर्मेंसेस तो भी होनी है बहुत सारी। अच्छा जी साहब, आज हनी आपसे भी ना लाइव गाने कोई सुन लें। हाँ मैडम के होते सुर में गाते हैं, गाते हैं आप सुर में? देखिए चले मैं कोशिश तो करूंगा पर, लेकिन उनकी इजाजत के साथ। हाँ, बेगम के लिए गाया कभी के नहीं? अक्सर जब लेट घर गया हूँ तो मैं फौरन गाना शुरू कर। कौन सा गाना? कई दफा साथ वालों ने मेरी इमदाद भी की। बेगम मान जाती है कि नहीं? कुछ कुछ मानती है और बाकी फिर हालात कुछ मना लेते हैं। मजे की बात है कि बेगमात की बात है, जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट का दौर चल रहा है, मर्द घर बैठा हो तो कहती जाओ काम पे जाओ काम, बेचारा काम करके आए तो अभी कुछ नहीं, तो नहीं समझे। आखिर उनके काम की नौयत ऐसी है कि रात को लेट आना, शोज है, देर से है, तो उसके लिए तो मर्द को बाहर जाना ही। लेकिन हनी ये नाराज होती है तो कैसे मनाते हैं आप? मैं कोशिश करता हूँ, बाकी फिर अल्लाह पे छोड़ दूँ क्योंकि इनको मनाना बहुत मुश्किल है। इनको क्या, एक ही तो आपकी बेगम है? नहीं, अगर कोई ऐसा सिलसिला बन जाए तो मैं फिर उनको कम्प्लीटली कह रहा हूँ क्योंकि हर बात पे शक, कहाँ है क्या कर रहे हैं जी, रिकॉर्डिंग पे हूँ, सच सच बताएं कहाँ है, तो फिर थोड़ा सा झूठ का तड़का लगाना पड़ता है कि मैं इस वक्त सैर कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, और मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त हैं और कुछ दोस्त भी हैं। अच्छा, लेकिन रिलेशनशिप्स में ना सुंदर ये तो लिबर्टी होनी चाहिए कि अब आपसे बार बार कोई पूछे कि आप इस वक्त शो कर रही हैं, आपके मियां का फोन आ जाए, घर में से फादर का, तो इतना तो ट्रस्ट होना कि इनका काम ऐसा है, किसी कोई टाइम ऐसा, ये टाइम लिमिट तो नहीं है ना ऑब्वियसली। अच्छा, मेरे साथ आर्टिस्ट के लिए नहीं, आर्टिस्ट के लिए मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं जब जा रहा हूँ तो रास्ते में अमूमन मिसेस का फोन आता है। एक दिन फोन का फोन आया तो मैं इशारे पे खड़ा हुआ था, तो शीशा मैंने खोला हुआ, तो बेचारी ना मांगने वाली दो तीन वो खवातीन वो एक आई, उसमें मैंने देखा, उसने कहा बाबू वो है टी वी क्या होता है, वो बेचारी मेरे को खुलो हो गए ना, तो हंसी भी जा रही थी नाल, पैसे भी मांग रही। अचानक मैसेज का फोन आया, मैं कहा जी, तो उन्नी देर चौधरी भी आवाज़ आई तो वो हंसी है, कहाँ है आप? मैं कहा मैं इशारे पे खड़ा हूँ। नहीं, ये आप ये पीछे आवाज़ ख़वातीन की मैं क्या, प्लीज़ वीडियो कॉल करके वो देखो वो ख़वातीन कौन है, ठीक है? यानी कि तो ये कहना था कि मैं टीवी पे आता हूँ तो तुम मुझे थोड़े से पैसे दे। नहीं। अच्छा जी, साथ ही साथ आप लोगों के नाम, मलिक सईद अहमद हैं, माही नरूज हैं, असद सजाद हैं, शफीक कैसरानी, यासीन मुगल हैं, मजीद खान हैं जी, मोहम्मद आसिफ इकबाल, कलीम अहमद, आप सबको सलाम पेश कर। अच्छा जी, मैं हैं बड़ी उम्र हो उनकी। अच्छा जी, सो कुछ यादें जरा शेयर करें रेडियो पाकिस्तान की, उस दौर की रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी, कैसे होती थी रिकॉर्डिंग? मेरे बच्चे बहुत पुरानी यादें हैं, मैं आपको ये समझे 58 से बता रही हूँ आपको, है ना, 56 से 8 से ऐसे जब मैंने शुरू किया प्रोग्राम, तो ऐसी आसानी नहीं थी जैसे अब आसानी है, वो बड़ा मुश्किल दौर था। आपके लिए 10 आदमी खड़े थे जो मेरा वो ऑडिशन दे रहे थे और पूछ रहे थे क्या राग गाएंगी, ये कौन सा राग है, किस ठाट का राग है, ये आड़ो है, खाड़ो है, ये संपूरन है, संकीर्ण है। देखिए ये लोग, ये बातें अब नहीं हैं, किसी को पता नहीं संकीर्ण सफूरन क्या है, आड़ो खाड़ो क्या है, ताल क्या है, उसके मात्रे क्या है, उसकी गिनती करके बताएं। ये बताया जा रहा था कि ये जौनपुरी गाना है तो ये क्या है, संकीर्ण है, सम्पूरन है, ये किस ठाट का राग है और किस ताल में गाएंगे जी, झूमरा में, झूमरा पहले ताल बताएं फिर उसके बाद मात्रे बताएं कि कैसे, 1 2 3 4 ऐसे है ना करके। तो ये उस वक्त फिर आप सोचें कि वो, हम तो खैर उस वक्त बच्चे थे, मैं उस वक्त तो इतने बड़े आर्टिस्ट थे जिनको देख के हैरान होता था बंदा कि ये कैसे गाते हैं, क्या करते हैं। आप यकीन करें कि रेडियो के शीशे वो दरवाज़ों में जैसे अब भी हैं वो शीशे से लगे हुए, तो लोगों को इजाज़त नहीं थी रेडियो के अंदर आने की, बड़ी सफारशों से मुश्किल से लोग आते थे, उसमें से देखते थे कि यही आर्टिस्ट है। और मैं जब गा के बाहर निकलती थी तो लोग खड़े होते थे गेट पे, तो अम्मी मेरी ज़रा माशाल्लाह, तो वो कहते थे ये है सुरैया मुल्तानीकर, वो कहते नहीं ये नहीं, ऐसी तान, ऐसी अलाप, ऐसा अस्थाई अंतरा, ये तो नहीं, बच्ची तो नहीं गा सकते, ये तो यही गा सकते हैं जिनकी उम्र इतनी है या जैसे भी हैं मेरे बच्चे।
और फिर हमारे के ऊपर एक नीचे होता था, कहीं खाम खान साहब सलामत नजाकत अली हैं, कहीं अमानत अली फतेह अली हैं, आज उनका प्रोग्राम है, आज उनका है। और हमारे वो जहूर साहब होते थे, अब देखिए मैं उनका पूरा नाम, वो इतनी अच्छी सुर में गज़ल और ठुमरी गाते थे, काफ़ी भी गाते थे, और ये पंजाबी गीत भी गाते थे, जहूर बख्श अच्छा ऐसा नाम था ना, फौत हो के बहुत अरसा हुआ। तो मेरे बच्चे एक से एक अच्छा आता था, गीत गाने वाला भी अच्छा होता था, सुर में लय में सही। और पीटीवी के लिए मैम पहली रिकॉर्डिंग कब आपने करवाई? मेरी पहली तो हमें शुरू ही हमने किया पीटीवी, कौन से सन के अंदर? वो ये मेरे बच्चे यही 64 में ही किया हम लोगों ने। पहला दिन आपको याद? वो पहला दिन मुझे याद है, हम कराची में थे, हमारे असलम मजहब साहब साथ थे और हमें टेंट लगाए हुए थे सदर में उन लोगों ने, तो हम उसमें फिलिप्स टीवी पड़ा था उस पर गा रहे थे, बड़े बेमुरवत हैं ये उसमें, और चौकों में सब वो टीवी लगे हुए थे, लोग देख रहे थे, ये ऐसे लाइव हुआ। फिर तो हमारा यहाँ पे छोटा खोखा बन गया, उसे हमने लाइव ही जाता था, हमारा लाइव ही जाता खड़े होकर गा लेते थे, होता था सारा। किया। नहीं नहीं छोटा सा होता था, एक ही आर्टिस्ट बैठ सकता था गा सकता, बूथ बना हुआ था पहले सामने बिल्डिंग में ऑफिस था, और बूथ यहाँ साथ रेडियो और टीवी के अंदर ही बना होता था लकड़ी का, उसमें मेकअप भी हो जाता था हल्का फुल्का, और खड़े होकर आप लाइव गा दें उसी वक्त, अनवर कमाल साहब का, फैज साहब का, जो जिसकी गजल आप गाए, जो गाए उनके फोन आ जाते थे, भी अच्छा गाया क्या गाया सही। ये कितनी बड़ी तो बात पहला चेक आपको याद है कितना अमाउंट का था? राहत सॉरी मैं बात, आपके माइक ना म्यूट हो गए, मुझे कहा जा रहा है अगर आप माइक अपना चेक करवाएं ताकि फिर आप भी शामिल हो जाएं गुफ्तगू में, आपसे भी कुछ सवाल कर लें, नहीं फिर आप इधर इधर करवा लें, आ जाइएगा जरा एक सेकंड। अच्छा पहले चेक, पहला चेक मेरा बेटे मेरा था रेडियो का, वो था 450 का। अच्छा 400 का ठीक है, और कितने का? एक 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 दिन हम आ गए, दूसरे दिन हमारा प्रोग्राम हुआ, दरमियान में हमारी रिहर्सल हुई, फिर रिहर्सल क्या होती थी क्लासिकल होता था, तो ये गाना ये राग गाना है ये राग गाना है, वो डिटेल बन जाती थी है ना, वो थोड़ा सा वो वक्फा हो गया, फिर दूसरे दिन हो गया। इन हम चाहे किसी रिश्तेदार के घर में ठहरे, उस वक्त बहुत कम थे लाहौर में, लाहौर से डर आता था हमें मुल्तानियों को, लाहौर कराची से पे जाएंगे कहाँ ठहरेंगे क्या करेंगे, हाय यही फिक्र होता था ना मेरे बच्चे, कैसे खाना खाएंगे, कौन खाएगा, कैसे होगा है, ऐसे हाय की में बेसूँ क्या करे सूए लंबा सफ़र है फला है ये ऐसे होती थी बातें। खैर मेरे बच्चे नसीम बेगम का घर था, उनकी वालदा जो थी तो हमारी खाला थी, और उनके पास हम ठहरा करते थे, और बस ये सब मेरे बच्चा पहला चक ये सारा हमें 5 दिन का मिलता था, 450 का, 450 का। जी तो जो पहला चेक मिला तो कितनी खुशी हुई? नहीं, क्या नहीं मुझे कोई खुशी नहीं हुई है, क्यों? कोई ऐसी उम्र ही नहीं थी कि कोई पैसे कमाने की उसमें लालच थी, हमारे साथ दो गार्ड होते थे जानी, अब तो लोग आप भी अकेली फिरती हैं या कोई आपको पूछने वाला नहीं है, हमारी मेरी बेटी भी सब लोग ऐसे ही हैं, उस पर हमारे साथ तो बाकायदा गार्ड दो होते थे। लेकिन मैम खुशी नहीं होती कि पहला यानी आपको चेक मिला हो, पहली अमाउंट मिली हो आपको, यानी एक पजीराई और एक प्राइड महसूस होती नहीं है? वो जो प्यार मिलता था, वो जो गाने में अच्छे, मेरे बच्चे अब कहते हैं बुढ़ापे में, उस वक्त तो हमें इजाजत नहीं थी, डांट पड़ती थी कि अच्छा। क्या गाया क्या किया अच्छा। अभी कुछ गाया अभी कुछ किया मेरी, हालांकि 2 साल की मेहनत थी, 10 घंटे रोज की, 5 सुबह 5 शाम सिर्फ क्लासिकल की। मुझे लोग कहते थे इतनी दुबली पतली होती थी मैं, ये तो मर जाएगी, इसके फेफड़े फट जाएंगे, ऐसे अपने ही रिश्तेदार कहते थे, इसे खिलाओ पिलाओ, और जब मैं खाती पीती थी थोड़ा सा मक्खन घी तो बीमार हो जाती थी अच्छा। मेरे बच्चे वैसे कोई अल्लाह की दुआ थी, हमारे मुर्शिद की दुआ थी, वो ऐसे ही काम चला मेरे बच्चे। अब तो खा पी भी लेते हैं। किससे मिली मैम? मेरे बच्चे वही दाद थी, जब आप आए हैं पास हो गए हैं आपको, उन्होंने प्रोग्राम उन्होंने कहा जी सुबह से गाएं। अच्छा पहला मैंने सुबह 8:15 शुरू होता था, 8:30 रेडियो खत्म हो जाता था, 8:15 से 8:30 तक 15 मिनट का जौनपुरी राग था जो मैंने पहला गाया, शाम को 4:30 मुल्तानी गाया 15 मिनट का मेरे बच्चे, और रात को गाया चांदनी की धारा आधे घंटे का 11 से 11:30 तक, या ऐसे अब क्या टाइम नहीं याद 11 तक का ऐसे कुछ था। फिर वही टांगे पे बैठ के साथ में हमारे बाबा फलूसा होते थे, उन वो ऐसी सारंगी बजाते थे, उनकी उंगली मेरा ख्याल है मेरे 3 उंगलियों के बराबर थी। अच्छा। और बड़ी मुश्किल बात है कि इतनी बड़ी मोटी उंगलियों का सारंगी बजाएं। हाँ। और वो उस वक्त थे कम से कम 70-75 साल के थे और बहुत मोटे थे, तो अच्छा। सचमुच ये मैं जोग नहीं कर रही या वो तंज नहीं कर रही, मतलब है कि वो लतीफा नहीं सुना रही कि टांगे वाला कहता था खान साहब तुसी घोड़े दे अगे ना आना। सचमुच कहते थे वो, इतने मोटे थे सही। हाँ इतने मोटे थे सही, इतने मोटे। और जब उनकी जूता पड़ा होता था ना ऐसे शूज होते थे आगे, वो माइक ठीक हो गया तो अच्छा ठीक है। तो वो निजामुद्दीन और उस वक्त थे वो, बड़े प्रोग्राम होता था जमहूर दी आवाज, वो लोग भी बड़े आला लोग थे मेरे बच्चे, इतने बड़े अच्छे लोग, और खान साहबों से और उस्तादों से
गालियां खाते अच्छा मैंने फिल्म्स की ना प्लेबैक सिंगिंग के बारे में कुछ सवालात करने लेकिन हनी आपके वालिद साहब की एक बड़ी तवील हाजी अलबेला साहब व्हाट अ ग्रेट मैन मेरे भाइयों जैसे थे सच्ची बात है कमाल है कमाल के वाकई में सो वो फिर बहुत बड़े लोग बहुत अच्छे वो लेगेसी वो सारी जिम्मेदारी फिर लोग कंपैरिजन भी करते जिस तरह मैंने राहत से भी सवाल किया था तो कितना प्रेशर महसूस किया किस तरह आपने एक्सपेक्टेशंस को शुरू में बहुत ज्यादा प्रेशर था और क्योंकि हमारे यहाँ असल में ये रवाज है कि कोई यानी कि सेलिब्रिटी सिंगिंग में एक्टिंग में अगर कोई बहुत बड़ा नाम हो तो उनके घर से लोगों को उम्मीद नहीं होती कि कोई इस तरह का एक सिलसिला निकलेगा तो मेरे जहन के मुताबिक ये कोई अल्लाह की ख़ास रहमत होती है कि इतने बड़े एक यानी कि नाम के बाद एक छोटा सा एक नन्ना सा पौधा वहीं से ग्रो करे तो ये मेरे ख्याल उन माँ बाप की दुआएं और अल्लाह की खास रहमत होती है क्योंकि माँ बाप भी यही चाह रहे होते हैं कि हमारी जो औलाद है जिस तरह आज मैंने सुना ठीक है जी और मुझे इतना अच्छा लगा और हमारे ऊपर जिम्मेदारी दूसरों से थोड़ी सी ज़रा डबल होती है क्योंकि हमारा कंपैरिजन होता है फौरन फौरन लोग कह देते हैं जी हाँ और इसमें जो पीछे मेहनत चल रही होती है वो कोई नहीं देखता उसमें एक टफ टाइम होता है क्योंकि आपने अपने घर से ही शुरू करके तो जीतना नहीं होता क्योंकि हम जितना हम जीतने नहीं आए हम सिर्फ उस नाम को आगे बढ़ाने आए और ये बड़ी अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने हमें इस चीज में जो है ना वो बड़ी रहमत की बड़ी बरकत डाली इसमें कि हम उस मुस्कुराहटों को मैं और खूबसूरत आवाज को राहत जी लेके जा रहे हैं आगे तो ये हम और आपका एक स्ट्रगल कहानी है मैं स्ट्रगल प्रोसेस के बारे में भी जरूर जानना चाहूंगी मनान पहले ये बताइएगा आपकी कॉफी कैसी लगी है गुड ठीक है इज इट गुड आपको चाय सही लगी है जी आप भी पीजिएगा जरा कॉफी बहुत अच्छी उतनी देर में मैं चाह रही थी मैम आपसे जरा लाइव परफॉर्मेंस हो जाए लाइव कुछ सुना दें क्या सुनाएंगी देखिए अब तो ज्यादा ये चलता है जी कोशिश ना करना सुना दें पीलू पक्कियां सुना दें या खड़ी लेनी या सनेड़े सुना दें तो मैं बेटे आपको ये बताऊंगी कि मैंने बाकायदा काफी सीखी ठीक है कि आप तो लोग ऐसे सुन सुन के गा देते हैं हर गाना ही गा देते हैं अच्छा बुरा जो भी हो जैसे अब तो लोग कॉफी पी लेते हैं और वो भी अच्छी बुरी जैसी मिल जाए बिल्कुल तो मैम अब सरप्राइज है फिर आप सुनाती हूँ आपको बहुत सारी क्लैप में जी सो रही है मुल्तानी कर जी रूठे यार डाढ़े औखे मनी दे रूठे यार डाढ़े औखे मनी दे तरले ते मिन्ता चारे करी दे लेते मिनता चारे करी दे रूठे यार डा दे औखे मनी दे रूठे यार डा दे औखे मनी दे पिपल पंडित ते मुल्ला जोची पूछी दे पीरा फकीरा मन तानिमी दे पीरा फकीरा मन तानिमी दे रूठे यार डा दे औखे मनी दे बहुत
जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन खवातीन हज़रात। और ब्रेक में अभी जूस सर्व होने हैं, वहाँ से वहाँ तक जूस पीने को कौन तैयार है? हनी देखिए जूस भी पी लेंगे मगर अभी चाय पी है, वरना चाय पी हम नहीं पियेंगे, हम नहीं पी, आप नहीं, आपको आप हनी पिएगा, क्योंकि मैं इसीलिए सिंगर नहीं बना। आए हनी जरा आए चले, जरा जूस तो लेके आए, चार चार हैं अब आपको, चारों आ जाए, आपने आना, राहत आप भी आ जाए, राहत ने गाना भी गाना है, आप मेरे जूस तो पीना नहीं है, फिर आप मुझे लेके जा रही हैं। अच्छा चले आप उठाइए, कोई नहीं मैं उठा के ये ले कर सकती हूं, ये ले जी। आई लव टू सर्व, कौन सा वाला लेंगे? वाह हनी जी कोई भी, ये है कौन सा, मुझे बगैर पैसों वाला मिल हमें हनी भी डाल देना जूस में, ये ले एक अच्छी, एक बहुत अच्छी है कि गले के लिए, देखिए जो मुसम्मी लोग नहीं पीते, या एक और है कि उसमें आप थोड़ी सी हनी ऐड कर लें, बिल्कुल बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल सही, वाओ ये मेरे आने का फायदा हो गया, दिस इज नाइस, मजे का जूस भी उठा जाओ, उठा ले, लेकिन आपने लाइव गाना तो आई दूंगी ना, हम अनान को देंगे, अनान को चले आ जाए, है ना, ये क्या है, ये मुझे पकड़ाई हुआ जा रही है, बिरादरी को नहीं दे सकती, सॉरी, पोटैटो एंड बीफ बारबेक्यू स्लाइडर है, हां बीफ जो था वो मैंने बॉईल कर लिया था, ठीक है, बॉईल करने के बाद उसके रेशे बना लिए, ठीक है, बारबेक्यू सॉस के अंदर थोड़ा सा उसे मिक्स कर दिया था, सॉल्ट एंड पेपर ऐड किया था, चीज ऐड करनी है, ठंडा करने के बाद आपने आलू जो है उसके कतले बना के फ्राई कर लेना है, उसकी टॉपिंग पे ये लगाना है, उसको थोड़ी देर के लिए बेक करना है, जब उसकी बाइट लेंगे आप तो बड़े मजे की चीज होगी, इससे पेट भरेगा कि नहीं ये बताएं, इससे कुछ भी नहीं भरेगा। अच्छा मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि इसके पैसे चेक में से कटेंगे तो नहीं? आ जाए प्लीज, नहीं बिल्कुल नहीं, मनान इससे पेट भर जाएगा आपका कि नहीं? नहीं मनान का तो भर जाएगा, स्लिम एंड स्मार्ट है, ये ले मनान आपके लिए, प्लीज ट्राई कीजिएगा। अच्छा मैं भी मनान के लिए लाया था। नहीं नहीं तो राहत को जी, मेरे काम गाने के बाद, हां गाने के बाद, अच्छा जी साथ साथ आप लोग, हमारा पेट भर जाएगा, पेट भर जाएगा, भर जा नहीं सकेंगे। अच्छा जी अब्दुल हक जी कुवैत से मैसेज करें, आपको मैम खास तौर पे सलाम पेश कर रहे हैं, वालेकुम सलाम, जीते रहें, बाहर हैं ये लोग, अल्लाह इनकी सलामती रखे, बिल्कुल बिल्कुल, और आपके लिए बहुत सारी फरमाइशें भी आ रही हैं, लेकिन हनी ने और मनान ने एक फरमाइश जो ब्रेक में की थी, प्लीज लाइव, जी जी मैं वो पीलू पक्खियां, अरे और बड़े बेमुरव्वत हैं ये उसी वाले, ये भी सुनना है हमें उसके बगैर, तो प्लीज निशक मही वाली नहर बगे कई तरिया करमा वालड़िया एक को जिया भी लंघ पार गया खड़रों दिया शकला वालड़िया सोनिया ते मथे भाग नहीं बरुलाल ते अंदरू कालड़िया यार फरीदला करम करे ए बवालिया दे मथे लालड़िया आ चुनु रलिया Thank you.
What pure beautiful voice, ma'am. मजा आ गया seriously. और हम नहीं चाह रहे थे कि ये खत्म हो performance, लेकिन मजा आ गया undoubtedly. वाकई में हनी कैसा लगा? शादियों पे जो song में तैयारी नहीं करते अक्सर लड़के लड़कियाँ, जैसे शादी पे stage पे perform करते हैं, जो dance floor है वहाँ पे, ऐसे songs पे भी उनका होना चाहिए performance. कितना अच्छा लगे जिस तरह के beat है. डरती है हमारे इलाके में तो बहुत डरती है, लेकिन ये कि वैसे आप देख लें कि हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज और दूसरे कंट्रीज़ के कल्चर और म्यूज़िक को प्रमोट करते हैं. शादियों पे आप देखें सारा बाहर का म्यूज़िक लगा होता है, अपने ये सेहरे ये गीत ये सब अब खत्म हो रहे हैं. मुझे याद है, मुझे याद है ये इनकी जो धुने बनी हुई है ना बेटे, ये सदियों दो 300 साल ये ऐसे इनका कोई नहीं कह सकता कि मैंने बनाई थी, वो लोग ही नहीं है. और काफ़ी जो है हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद की है, और इसमें शायरों ने अपने रुमान भी वो भी रखे है, तो ये भी रुमानवी है. पीलू पकियाँ बे आ चुनू रलिया, ये भी रुमानी है. पीलू पके और सारे सहेलियाँ मिलके सारे मिलके उसमें इश्क किया, इश्क भी होते थे, मोहब्बत भी होती थी, नज़रबाजी भी होती थी, वो सब कुछ उस वक्त हर एक माहौल में चलता है ये सब बात. बिल्कुल. और इसमें रोटी बड़ी अच्छी है, कल्चर है. रेगिस्तान में पीलू का एक लोग बहुत पूछते हैं अक्सर, मैं गाना सुनती हूं पीलू क्या होता है जी, पीलू इज अ पीलू का पता ही नहीं है. और ख्वाजा साहब जो है ना ये नेचर के पोएट है, जैसे वर्ड्सवर्थ अंग्रेजी में, इसी तरह ख्वाजा साहब सराइकी में पूरी नेचर को जो चोलिस्तान के इलाके की और जो हमारा साउथ पंजाब का कल्चर है उसको पूरा अपनी शायरी में वो नजर आती है. व्हाट ग्रेट परफॉर्मेंस वंस अगेन, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. बहुत अच्छा जी. एक्टिविटीज की तरफ भी बढ़े, बातें बड़ी सारी. हनी आप खामोश क्यों हैं? ये क्या मसला है? मैं सुरेया जी के शहर में इस वक्त बिल्कुल बच्चा है, इनका बाप तो मेरे भाई जैसा. नहीं नहीं सच्ची बात है, नहीं लेकिन कोई ऐसे लोग गवाहियों के साथ फिरने वाले लोग ऐसे लोग थे इनके बाप. लेकिन हनी कोई अपने वालिद साहब के कोई वाकयात हो, कोई रिकॉर्डिंग्स के दौरान, कोई घर में कैसे थे? घर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया है, वो मैं शेयर करूंगा. चांद रात थी और हम लोग सब घर में, बच्चे भी और सिस्टर्स भी, वालदा अल्लाह जन्नत करे वो भी. तो अब सब अबू जब घर होते थे ना तो एक एक अजीब सा माहौल होता था, खुशी वाला, खुशी यानी कि वो हर दिन हमारे लिए ईद का दिन होता. अच्छा. तो क्योंकि मसूफियत उनकी ऐसी थी, डे नाइट रिकॉर्डिंग फिल्म ड्रामा ये वो बड़ा. तो चांद रात हम सब लोग बैठे हुए, तो अब सिस्टर सारी कह रही हैं जी सर चूड़ियाँ चढ़ाओ, चांद रात है. कहते ठीक है बेटा, इस तरह वो सारे, तो वो हर बंदा आप चूड़ियों की फरमाइश कर रहा है, जी मुझे भी चूड़ियाँ चढ़ा दें, अम्मी भी कह रही हैं वो. तो मैं बैठा हुआ था, तो मैं अब कुछ कहना चाह रहा था, तो मैं कह जी हाँ जी, मैं कह जी इन्होंने तो चूड़ियाँ चढ़ा रहे हो. कहते हाँ बेटा तू हनी है, तेन असी कीड़ियाँ चढ़ा. बड़े लविंग, और यकीन करे वो लम्हे बड़े अदब वाले, ये भी साथ में वो टाइम इस तरह यानी कि चला गया कि बस. हनी लेकिन आप भी थिएटर फिल्म्स एंड कॉमेडी शोज का जो एक ट्रेंड चला है उसमें टॉप शो के हिस्सा रहे हैं और हैं भी आप, तो उसमें भी तो मजा बड़ा आता होगा. रिकॉर्डिंग्स के दौरान दोबारा फंबलिंग भी होती होगी, इसको भी कवर कर लेते होंगे. लाइव तो ज्यादा आपके होते हैं, आपके यहाँ लाइव भी होते हैं. असल में ये जो पैटर्न आफताब इकबाल साहब ने शुरू किया टॉक शोज का, तो वो एक बड़ा अच्छा एक मुनफरिद आइडिया था, और लोगों को इतना लड़ा वो कि अभी तक लोग उसे चैनल पे ये. लेकिन आप उसमें खास अंदाज में बात करते थे, वो अंदाज खुद बनाया था, वो थोड़ा लहराना इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैसे वो क्या उस अंदाज को क्या कहेंगे? वो मेरे असल में ना हर बंदे का एक स्टाइल होता है. मैंने अपने वालिद साहब को बहुत देखा, ठीक है, और उनसे बहुत ज्यादा यानी कि मैं इंस्पायर हूँ, उन्हीं से ही मैंने ज्यादा कुछ सीखा. तो वो उनका एक यानी कि शुरू से एक स्टाइल होता था स्माइल का, उनके चेहरे की स्माइल लास्ट टाइम तक उनके चेहरे पे स्माइल थी, इतना खूबसूरत चेहरा. तो वो मैंने अडॉप्ट किया, वो बात आधी चबा लेते थे बात करते हुए, तो वो उसकी खूबसूरती थी. तो उसमें मैंने थोड़ा सा लाफ्टर ऐड कर दिया, जिसमें मुझमें लोगों में शुरू में बहुत ज्यादा तनकीद भी की कि यार ये अपनी बात पे खुद हंसता है. तो जब आप कोई बात करना चाह रहे होते हैं तो आप उसको पहले अंदर आप खुद चेक करते हैं कि इस बात का लेवल बैलेंस क्या है. तो वो मेरी हंसी उसमें मिक्स होके वो दो आतिशा बन जाती थी, ठीक है. तो अभी मैं जो बात करता हूँ इनका छोटा सा फिक्रा, इस मेरे बेटे का भतीजे का छोटा सा फिक्रा होता है, मगर परफेक्ट होता है. हनी थोड़ा सा जरा टीजर तो दे ना वो, फिर ताकि लोगों को समझ तो आए ना एग्जैक्ट कि क्या बात हो रही है, कोई निकले की बात. मैं असल में अबू की जो स्टाइल था कॉमेडी का मैंने उसी को ही अडॉप्ट किया है कि बात में से बात. अच्छा.
यानी कि एक तो होता है आप लतीफा सुना दें कोई जो वो बात चल रही होती है उसमें से आप बात निकालें हाँ। उसको पैक करें और फिर वहां रखें हाँ। तो उसका ही एक वो बस एक सिलसिला चलता और चलता रहा है और चलता रहेगा। और वो नहीं बोल क्योंकि आपका स्टाइल बड़ा लोगों ने पसंद किया है वो जो हल्का सा आपस में खुद ही ऐसी आवाज में बात करना कि खुद से ही बंदा कहे कि बात कर रहा है और हंसना थोड़ा सा वो बड़ा स्टाइल मजे का। मेरी असल में जो है ना वो उसकी केमिस्ट्री वो मैं आता सब की तरफ बगौर देखता रहता हूँ अच्छा। और वो अक्सर कहते रहते की बह रहे हैं ठीक है क्योंकि वो कैप्टन है उनमें से वो वेव्स निकल रही होती है उनकी बात चल रही होती है और मैं वो बिल्ली की तरह दाग लगा तो बड़ा ये मजा आता उनके साथ बहुत सीखा और अभी भी सीख रहे हैं माशाल्लाह। रुलाना बहुत आसान है कि आप थोड़े से जुमले से दूसरे की दिल आजारी करते हैं आप तो बहुत होती है ना कि कोई किसी का ख्याल नहीं रखता बहुत खुद गर्ज वक्त आ गया है ना कह देते हैं अच्छी नहीं लग रही खूबसूरत नहीं है कपड़े अच्छे नहीं जूता अच्छा नहीं है फलां है गाना अच्छा नहीं गाया आवाज़ अच्छी नहीं है फलां कोई भी बात है। और अब इस टाइम ये लोग हंसाते हैं ना हम लोगों को सब सुनने देखने वालों को सुनने वालों को तो ये बहुत बड़ी बात है बड़ा मुश्किल काम है हंसाना बहुत मुश्किल काम है। आपसे अगर बात एक्टिंग की ऑफर तो आई होगी ये कैसे हो सकता है ना आई हो जी बहुत आई थी तो फिर क्यों नहीं एक्टिंग क्यों नहीं की क्योंकि मेरे जो उस्ताद थे वो कहते थे फिल्मी गाना गाने से फिल्मों में जाने से मेरी शागिर्द का गाना चला जाए क्लासिकल खत्म हो जाए खत्म दिल था आपका शौक था बचपन में हम यही तो अपनी दुपट्टे अपने अम्माओं के खालाओं के फाड़ देते थे साड़ी बांध बांध के उनकी ऊंची एड़ी जूती पहन पहन के फट जाते थे सारे अच्छा। फिर हम देख के आया एक गाना देख गाने का शुरू से शौक था अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह और फिर उनका इंटरवल पीस भी याद कर लेना अच्छा। और आप सब लोग बैठ के मुझसे वो तो मजाक करते थे मैं तो बड़ी खुश होती थी कितनी बड़ी सिंगर हूँ या इतनी बड़ी मैं भी कोई एक्ट्रेस हूँ जो मुझे सब कह के सुन रहे हैं और फिर टूनू साथ में बजाना उसका इंटरवल पीस भी हमने जाना भाग के घर के पास ही ऐसे समझ दें आप कोई आधे फरलांग पे सैनमा था तो वो उस वक्त अभी ये हमारा बड़े सगीर तकसीम नहीं हुआ था उनके हिंदू मालिक होते तो हम बच्चों 7-8 बच्चों को अंदर जाने देते दरवाज़ा खोल दो वो जो नीचे वाले होते थे ना जहाँ पता लगता था कि आ रहा है सिंगर आपके ऊपर ही चढ़ रहा है तो ऊपर ही आ रहे वहाँ खड़े होकर हम एक गाना और सुन के डांस जब साइड वाला रोने वाला या जैसा भी सुन के फिर अपने घर आ जाते थे अच्छा। कोई फिक्र नहीं होती थी कोई अगवा कर लेगा कोई तांगा चढ़ अच्छा जाएगा कोई दौर मोटर चढ़ेगी हाँ भी तो अच्छा और वो तांगे वाले कहते मरो शाला कितना बदे वेकल है अपने घर और उतनी देर वेट करते रहते जाओ आप नहीं वो कहते थे खड़े होते थे ना बुजुर्ग होते थे भाजे मरोशाला क्यों बधे हुए थे कल है वजो अपने घर बजाओ अपने घर फिर जाओ अपने घर वो भी नसीहत करते थे वो वक्त मनाना बड़ा अच्छा था। अच्छा आपकी एक सवाल जरूर फिर मैंने एक स्पेशल गेस्ट को भी दावत देनी है मॉडलिंग भी फिर एक्टिंग भी फिर फिल्म्स भी सो बैलेंस कैसे करते हैं काम बड़ा मुश्किल काम है ये तो इट इज डिफिकल्ट बट ये अच्छा भी है कि आपको एक्सप्लोर करने का और मौका मिलता है आप देखते हैं आपके अंदर ये टैलेंट भी है मैं कभी भी एक्टर नहीं बना कोई मेरे जहन में भी नहीं था लेकिन इफ़ आई गॉट अ चांस देन आई कीप इन एक्सप्लोरिंग मैं और एक्सप्लोर करना शुरू किया एंड देन आई रियलाइज कि आई कैन बी क्योंकि बड़े कम ऐसे मॉडल्स हैं मेल मॉडल्स की बात करें जो कि स्क्रीन पे एक्टिंग भी करते हैं और अपना आप भी उन्होंने मनवाया सो देन क्योंकि सारे एक्सप्रेशंस का काम है बॉडी लैंग्वेज यू नो सारी एक पूरी हार्मनी चाहिए होती तब जाके आप एक्टिंग कर पाते हो तो आप दूसरों को देख के सीखते हैं इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि आप दूसरों को आइडियलाइज करेंगे तो कल को आप आइडियल बनेंगे किसी के लिए मेरे आइडियल बहुत है बड़े बड़े वो है फॉरनर थोड़े से अल पचिनो रॉबर्ट डेनिरो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर आप पठान हैं या मैं कश्मीरी हूँ बट लगते नहीं आई डू लुक लाइक पठान बल्कि पठान लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं बड़ा जब मैं इस शूटिंग के दौरान में जो कप्तान की उस दौरान अक्सर मुझे वो इनवाइट करते थे कि आप हमारे साथ खाना खाएं तो बड़ा अच्छा लगता था हनी क्यों आप गौर से देख रहे हैं इनको ये भी आप कुछ कर रहे हैं सोच रहे हैं कुछ सोच रहे हैं नहीं सोच चुके हैं उनकी मनान भाई की जो पर्सनालिटी है वो की बाहर के जो हीरोज हैं आपने क्यों नहीं मॉडलिंग कभी ट्राई की हनी जी मैं मॉडल तो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन कुछ थोड़ा सा लेट मॉडल मेरा असल में ना वेट जो है वो अपना सुंदर जी अचानक बढ़ा मैं बिल्कुल स्मार्ट था तो वो जब मैंने काम शुरू किया तो ये मेरा एक प्ले चला था पीटीवी से डबल सवारी शायद आपको याद है बिल्कुल ऐसा ही उसमें मैं बड़ा स्लिम था तो वो बस अचानक कुछ ज्यादा खुशियां मिल गई संभाली नहीं गई या हजम नहीं हो
क्योंकि आपके वाले बॉडी पे आ गए कुछ, वो वैसे ही थे, वो वैसे ही रहे वैसे के वैसे। लेकिन मैंने जो ये वेट वाला सिलसिला है वो हमारे बड़े प्यारे भाई हैं मेरे, मोहसिन जाफर साहब, उनको मैंने जब देखा उनको जिम शुरू किया तो वो उनको देख के फिर मैंने घर को मशीना मशीना में लेके आ दिया ना। तो मैं लोगों को करा रहे हैं आप नहीं करा रहे वही आप बेशक ला के जितने मजे इक्विपमेंट रख लें, जब तक आप खुद से कोई स्टेप नहीं लेंगे आप कुछ नहीं बन पाएंगे। भाई अक्सर जो है ना ट्रेडमिल्स पे कपड़े सुखाए जा रहे होते हैं, हमारे सबके घर में यही हाल है, ऐसा ही हो रहा होता है, लेके तो आते हैं बड़े शौक से, उसके बाद तौलिए सुखाए जा रहे हैं, कपड़े सुखाए जा रहे हैं। ट्रेडमिल है मेरे पास, उसका मैंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल रखा हुआ, जब मेरी बीवी के साथ कोई बात होती है झगड़ा होता है मैं ट्रेडमिल पे चढ़ के दौड़ जाता हूँ। बात है, गुड वन गुड वन, खुश रखिए अल्लाह हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, उनका मैं तारुफ कराऊंगी जी। पिछले 40 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है जर्मनी में मुकीम है, वैसे तो बिजनेसमैन है लेकिन सिंगिंग का शौक है, रेडियो पे गा भी चुके हैं और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की रवायत को मद्देनजर रखते हुए वो लोग जिनके अंदर कोई टैलेंट होता है हम उनको जरूर प्लेटफॉर्म देते हैं। तो बड़े अपनाइयत के साथ हम वेलकम करेंगे जी इश्तियाक भट्ट साहब को। हमें छोड़ कर तुम तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। दिया हौसला शामदीद, वेलकम बैक वंस अगेन खवातीन ओज़ात, आप सबके नाम भी शामिल करूँ, सहरिश खान है, सुंदस नाज है, इब्रार अली है, कासिम शाह है, रमलता है, मैम आपको सलाम पेश कर रही हूं। वालेकुम सलाम, जीते रहें। मलिक हसन है, नेम रमलता है ना, अच्छा नाम, हुक्म रमलता, अच्छा नाम, आई डोंट नो, आपकी सराई की ही इलाके से? हाँ, सुना तो नहीं मैंने कभी, नाम फारसी होगा, पर्शियन ही होगा, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा रोप खान है,
रसी खान चले ये अच्छा है रोग खान समंदर खान सुना था रोग खान पहली बार खान खान का तो वैसे ऑलरेडी रोग खान नहीं ये आर ओ पी ई रस्सी वाला रोग 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 नहीं रूप खान होगा रूप 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 होगा शक्ल से फिर आर डबल ओ पी होना चाहिए ई नहीं होना चाहिए आप इंग्लिश की असिस्टेंट प्रोफेसर मैं ठीक कह रही हूं कि नहीं वो तो रस्सी बन जाती है आर ओ पी मैं ठीक तालियां मेरे लिए लेकिन इतना परफेक्ट गाया माशाल्लाह और उनकी कैफियत को मैं कुछ बातों में समझना चाह रहा हूँ जब बच्चा छोटा होता है तो उसके कुछ अजायम होते हैं वो गाना गाता है मैं छोटा सा एक लड़का हूँ काम करूंगा बड़े बड़े मैं छोटा सा एक लड़का लड़का जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी जो ख्वाहिशात होती हैं वो होती हैं कुछ डिफरेंट लिख दीजिए एक प्यार की अर्जी मेरे नाम जब उस बच्चे की शादी हो जाती है पांच छह बच्चे हो जाते हैं जब वो हर चीजों से टेंशन में परेशानी महंगाई वो फिर आखिरी गाना ये गाता है जा अपनी हसरत आंसू बहा के सो जा आपकी क्या स्टेज है इस वक्त ये बताएं मैं अभी अपने आप को वही ही जा छोड़ दे पीछा नहीं नहीं अभी अभी मैं उस बच्चे की तरह हूँ जो छोटा सा एक बच्चा है और काम बड़े बड़े करना चाह रहा है अच्छा तो बेगम कहाँ पे फिट बैठती है इसमें जी अच्छा शॉपिंग करने चाहते हैं घर की शॉपिंग करना सब्जी फल लेना ग्रोसरी करना कभी ऐसा हुआ हो कि शुरू में ऐसा था लेकिन अब बामरे मजबूरी में जो है ना वो नहीं जाना पड़ता अच्छा एक तो वो माशाल्लाह कुछ मुलाजिम है घर ठीक है और टाइम नहीं होता ना आप जाते जी हाँ जी और दूसरा ये है कि मिसेस खुद ही सारा कुछ अच्छा और कभी ऐसा हुआ कि खाना खाने आप गए हो बाहर अपने फैमिली के साथ तो कोई फैन मिल गया हो और जी जी बड़ी तो ये तो बहुत नहीं कौन मतलब खाना खाने के दौरान और बेगम नाराज हो गई हो कभी ऐसा हुआ वो फैंस बस क्योंकि मोहब्बत इतने करने वाले हैं फिर मेरा कुछ जो स्टाइल है वो थोड़ा सा बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट है मैं उसमें वो मुझमें वो प्राउडनेस नहीं है ठीक है मैं बड़ा डाउन टू अर्थ तो मैं उनको फिर कॉमोडेट करता हूँ अच्छा वो मेरी फैमिली पे मुझे कहती है यार ये क्या वो जो सेल्फी कल्चर है इधर से आ जाए आपको आती है सेल्फी खिंचवाने के लिए जी आती तो है कैसे खींचते हैं मैं कभी इस तरह अच्छा एक सर सेल्फी फोन निकाले राहत के साथ राहत आपको आती है सेल्फी बनाना मुझे बिल्कुल नहीं आती मैं तो बिल्कुल ही वो हूं मनान आप निकाले ना जरा फोन ये बल्कि हम सबकी आएगी हां ये आपकी भी आसे मैं तो बड़ी अच्छी सेल्फी खींच लेती हूं हां मनान आप मैं भी आती हूं एक सेकंड लेकिन सुंदर सी कोई अच्छा ट्रेडिशन है जहां भी जाए इतने लोग आप देखते हैं इधर है हां लेकिन ये पता नहीं हां मुझे भी समझ नहीं आती और खींचने का एक आर्ट बाद फिर डिलीट भी कर आपको बता दो ये आर्ट क्या है सम टाइम्स इसके अंदर ना बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ये शॉट कैसे लेंगे शॉट भी लेना फिर जरा मजा आएगा जरा जी इसके अंदर एक टाइमर होता है मनाना आपके सारे मैसेज हमें नजर आ रहे हैं चलें चलें अच्छा हम काफी देर से अपना मुंह फिक्स करके बैठे हैं और इनका फोन ही फिक्स नहीं हो रहा नहीं नहीं मनाना ने सारा फोन खोल लिया मेरा घर चलें जी अरे ये आ गई सेल्फी अंगूठे वाली वेरी गुड क्लैप हो जाए वेरी नाइस ओहो अच्छा जी मैं आपसे जो सवाल कर रही थी ना आपको समझ नहीं आई नहीं मुझे समझ आई है तो जवाब देना मैं बस वो बाज़ुकात ही होता है कि जब फैमिली साथ हो तो थोड़ा सा दोस्तों को जो मोहब्बत करने वाले हैं उनको जरा खुद चाहिए क्योंकि वो भी तमाम लोग फैमिलीज वाले हैं वो जरा कि जी फिर जान फिर आवाजें ओयो जान दे ठीक है जी अच्छे लगते हैं हां जी बड़ा अच्छा फील होता है तो क्योंकि ये चीजें बड़ी यानी कि खुशकिस्मती की अलामत है कि को आपको देख के मोहब्बत वाले जो कलमात वो कहे और आपको नहीं, नहीं, ब्लेस्ड, माशाल्लाह यानी इतनी दुआएं आती हैं मैंने जब भी मैं अपना वो देखता हूँ फेसबुक या चैनल देखता हूँ अपना तो उसपे लोगों की दुआओं के साथ उनके साथ एक टैग है ना आप खुश हो क्यों नहीं खुश होने लगे थे फिर मैं आ गया मैं क्या प्रोग्राम शुरू अच्छा जी हमारे साथ तो ये होता है ना अम्मी और मैं कहीं भी जाए ना तो लोग बस गाना सुना दो एक ट्रेन में जाए गाना सुना दो जहाज में खड़े एक दफा तो गाना सुना दो
हर जगह यही होता है, लेकिन लोग ये भी नहीं देखते कि अम्मी तो फिर अम्मी भी बहुत मैं तो शुरू से जवानी से ट्रेन में हमेशा गाना सुना, अच्छा तो ट्रेन में गाना सुनाना कि लाहौर के आते तक गला खराब हो जाए और यहां आते दूसरे दिन मेरा प्रोग्राम में गला खराब। ऑकवर्ड ये थी कि लंदन की फ्लाइट पे अम्मी और मैं इकट्ठे थे और हम लोग लू की क्यू में थे। अब क्यू काफी बड़ा था, अम्मी ने कहा मुझे जा रहा है। अब वहाँ भी जो सीटों पे लोग बैठे थे श्रेया मतानी कर अम्मी ये आपकी अम्मी है, तो मैं एकदम मुझे इतना गुस्सा है कि मैंने कहा नहीं मेरी अम्मी नहीं है मेरे अब्बू हैं। नहीं लेकिन उसके बाद ना उस लाइन में भी सीटों पे बैठे हुए लोगों ने कहा कि सिर्फ एक मिसरा सुना हाँ, दे बड़े पेपर अहमद का, तो उस वक्त ख्याल होता था कि अच्छा लगता लेकिन ये मोहब्बत होती है हमें। मैं दिल रखती हूं मेरे बच्चे, तो आप समझे कि इस वक्त भी आप लंदन की फ्लाइट पकड़ रही हैं, पीछे लाइन में मैं भी हूं और मैं भी कहूंगी कि जरा एक अस्थाई एक अंतरा। यहां बहुत प्रिपेयर्ड होता है कि चैनल पे जा रहे हैं तो गाना तो जरूरी सुनना। अच्छा अक्सर लोग ये भी पूछते हैं मैं कहीं जा रहा हूं तो कहते आप बहुत सीरियस हैं यहां पे। यार वो मेरा काम है मेरी जॉब है, मैं जब वहां जाता हूं वो उस तरह का एक मूड बना लेता हूं। नहीं वैसे आप बहुत सीरियस हैं। मैं कहा अच्छा अब इस पे इरफान खुसर साहब ने इतनी खूबसूरत बात की हुई है। मैं आप वो इरफान साहब कहीं से पेट्रोल डलवा रहे थे गाड़ी में तो वो जो पेट्रोल डाल रहा था उसने इस तरह देखा और इरफान खुसर अब देख रहा है और साथ पेट्रोल भी डाल रहा है तो इरफान साहब को कहते कहते इरफान साहब बड़े सीरियस हो तुम। बेटा अगे जो मैं आना होना थे तमाल ऐसा ही है ऐसा ही है। अच्छा हमसे भी ये एक्सपेक्ट होता है कि मैं हर वक्त गाने गाती रहूं, मेरे मतलब मेरी वर्क प्लेस पे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं बस हर वक्त कहती तुम गाना अब क्लास पढ़ा के आप आते हैं मूड, एक एनवायरमेंट होता है हर चीज का और एक तरीका होता है। हमारे लोग ये समझते हैं कि शादी में घुसे आप गाने के लिए आई है ना, आप गाने के लिए आज आपका शो है, नहीं जी मैं तो अटेंड करने आई। अच्छा 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 तो वो कहते हैं बस हर वक्त हम लोग गाते ही एंटर हो। लेकिन खवातीनोजाद भाई ब्रंच एट होम में सुरैया मुल्तानिकर जी हैं, राहत मुल्तानिकर हैं, सो मैम बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, अगर थोड़ा सा कुछ सुना दे तो बहुत सारी क्लैप में। Ready, keep on.
सरोवर में ना तुम डूब जाओ, निकाहें मिलाने की कोशिश न करना, नजर के भंवर में ना तुम डूब जाओ, निकाहें मिलाने की कोशिश न करना, बड़े भी खुश आमदीद, वेलकम बैक खवातीन उजाद, बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा राहत। सो मच, मैं ये बताना चाहूँगी कि हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद कोटमिटन शरीफ से, वो हफ्त ज़बान शायर हैं, उन्होंने
सात जबानों में लिखा और सराइकी का तो उनकी काफियां और कलाम बहुत मकबूल है। ये उनका उर्दू का जैनवन कलाम है और इसमें वो ये बात कह रहे हैं कि आजकल जो हमने एक मादियत परस्ती और मटेरियलिज्म को अपनी जिंदगी का खाना पीना घर बनाना ओढ़ना बिछोना बना लिया, तो वो कहते हैं कि तुम उस ऊपर जन्नत से आए हो, तुम्हारा काम इस धरती पे मोहब्बत फैलाना है, अपनी शनासी करो, अपने आप को समझो। इतने उदास क्यों फिरते हो? आज हर बंदा ही उदास है, ऐसा ही कोई कह रहा मेरा घर नहीं, कोई मतलब मादियत पे इतनी तवज्जो है कि रूहानियत को हम भूल चुके हैं और ये बैठे ये लोगों को हंसाते हैं, उदास दिलों को खुश करते हैं, मगर हमारे लोग बहुत ज्यादा जो है मटेरियलिज्म की तरफ चल पड़े हैं। ऐसा ही है और उतना ही खाजा साहब यही पैगाम दे रहे हैं कि उस वहीं से आए हो, वहीं जाना है तुम्हें, वहां से अल्लाह ने तुम्हें यहाँ पे प्रेम नगर है देश तुम्हारा कि यहाँ मोहब्बत फैलाओ। देखिए सब कुछ होने के बावजूद भी शुक्र नहीं है, शुक्र नहीं है, शुक्र गुजारी एक तो नहीं है, कुछ अधूरा महसूस होता है, बेचैनी है। अच्छा मैं आई हूँ तो आप हमारी तारीफ कर रही थी, आप मेरे कपड़ों की शूज की और मैं आपकी कर रही थी, तो बहुत लोगों को आता था कि वो तारीफ नहीं करते, तो ये एक मोहब्बत फैलाने का ये भी एक जरिया है। ऐसा ही आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करें और रश करें एक दूसरे से और मना ये जर्क पैदा, ये जर्क में हमारे नबी ने कहा है जी, हमारे नबी पाक ने कहा है कि एक दूसरे की तारीफ करो, एक दूसरे को तोहफा दो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। बड़ी जरूरी बात बताता हूँ, जब जो शख्स दूसरे की तारीफ कर रहा होता है ना, वो असल में खुद माला माल होता है, तो वो उसकी अप्रिशिएट करता है क्योंकि उसे अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा होता है, वो जब देखता है दूसरों में तो वो और अप्रिशिएट करता है, यार देखो। तो यही ताकत है बेसिकली, दूसरों को जोड़ना, दूसरों को अप्रिशिएट करना, बिल्कुल। और ये पॉजिटिविटी खवातीन औजात माशरे में होना बहुत जरूरी है। मैम चूंकि लास्ट सेगमेंट है, फिर लेजेंड्स की बात करें, हमने रेशमा जी का जिक्र तो किया लेकिन उनके बारे में कुछ यादें आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। देखिए वो जो उनका वो राजस्थानी गाना या जैसे भी उनका जो भी लहजा और बोली और ये सब कुछ, तो ये लोग रेशमा जी जो थी ना, ये हमारे साथ हैं मखदूम रशीद साहब, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका मज़ार है, बड़ा मशहूर है, और हमारे एक सियासतदान भी इसी से मंसलिक हैं, वहीं के गद्दीदार मखदूम हैं जावेद हाशमी साहब, और ये लोगों को गिलानी साहब, सलीम गिलानी साहब हमारे होते थे, बहुत आला आला आदमी थे, और इसी हर एक उसमें आर्टिस्ट की तलाश में, टैलेंटेड की तलाश में फिरते रहते थे, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, रागों के बारे में मेरे उस्ताद के साथ बातचीत होती थी, फला राग, बड़े आला आदमी थे वो, कहीं से ढूंढ कर उनको लाए थे। और मैं आपको ये बताऊं कि उस वक्त हमारे जब अयूब खान साहब का कहते तो सब डिक्टेटरशिप और माशाल्लाह और ये, मगर मैं कहती हूँ कि उस टाइम में हमें बहुत सुकून होता था, बहुत ज़्यादा सुकून थे उन दिनों में हम लोगों को, हमें नहीं मालूम कि वो माशाल्लाह था जो भी था, मगर बहुत चैन आराम, मुल्क खुशहाल और खुशी और पता क्या क्या था, इत्मीनान, कोई डर खौफ नहीं। सही। तो फिर फंक्शन हमारे बड़े, जश्न सरगोदा, जश्न मुल्तान, जश्न लाहौर, जश्न खैबर, जश्न फलाना फलान, रावलपिंडी, ये कराची, ये सब। तो हम लोग अब जहाज़ पे जा रहे हैं, अब प्रेसिडेंट हाउस रावलपिंडी में गाना है, ठीक है, और कोई बाहर से भी लोग आए हुए हैं, जैसे तुर्क से आए थे वो सदर बलाल जलाल बाजार, बहुत खूबसूरत और बहुत बूढ़े आदमी थे, और शाह ईरान आए हुए थे, उनकी बेगम नई शादी हुई थी, फरहा उनकी बेगम थी जो, तो वो आए, तो हम जहाज़ पे जा रहे हैं, अब रेशमा जी भी हमारे साथ जा रही, उनकी बहन और एक कोई साथ थी, अब उनको उसमें जब भी थोड़ा सा फोकर जहाज मुल्तान से, तो ज़रा उनको लाहौर से हम जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारी फरीदा खानम भी मेरी बहन बड़ी, और इकबाल बानो साहब बाबू भी हमारे अपने ही, सारे लोग बड़े उसमें जा रहे हैं, अमानत अली फ़तेह खान, फ़तेह अली खान साहब मरहूम, और सलाम नज़ाकत, सभी गाने बजाने वाले लोग जा रहे हैं, तो अब उनको वो आ रही है वॉमिटिंग, ठीक है, झटके पड़ रहे थे तो वॉमिटिंग आना शुरू हुई, ठीक है, वो कहें अचार दो अचार दो अचार, अब जहाज में अचार कहाँ से आए मेरे बच्चे, तो अब बड़े हम भी बेबस, फिर ठीक है, वो उनको दे दिए वो थैले वैले जो पड़े थे, भाई चलो वॉमिट बैग दे दिए, ठीक है, मगर देखिए उस क्लासिकल दौर में भी उनका अपना एक स्टाइल पॉपुलर है। मेरे बच्चे बात ये है, अल्लाह ताला बताता है हम लोगों को कि हम लोगों ने इतना सीखा, इतनी मेहनतें की, पता नहीं क्या क्या वो माहौल थे, क्या क्या वो दौर थे, कैसे मैं नहीं बता सकती बेटे आपको, है ना, कि रूहानियत है, सारी रूहानियत है, अदब है इसमें, सबक है इसमें, सब कुछ है, और अल्लाह मियाँ हम लोगों को बताते कि तुम लोग जो एक के ऊपर बैठ के आला से आला सब ना, मेरी तौबा है, मैं अब कह रही हूँ इस उम्र में, उस वक्त तो हमें डंडे पड़ते थे, डंडे क्या बहुत झिड़के पड़ती थी, रोते थे हम लोग के, हाँ कह क्यों दिया कि मैं अच्छी गाई हूँ, ऐसी बातें थी। तो मेरे बच्चे को अल्लाह पाक बताते कि तुम लोग इतने रियासतों से, इतने आला, इतनी दुनिया में मशहूर, इतने फलां ऐसे बैठ के गाते हो, अस्ताई अंतरे फलान फलान, ये राग वो राग,
और मैं एक रेशमा को बैठ के तुम्हारे ऊपर से कर देता हूँ, समझ आई ना आपको। ये है गरूर की सजा है कि दिल में कोई भी आए अल्लाह ताला उसके लिए कोई ना कोई रखता है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि हमारे फ्लैट जिसमें एक प्रोग्राम था उसमें फरीदा जी भी थी, मैं भी, हम सिर्फ सुनने के लिए गए हुए थे और खान साहब सलामत नज़ाकत वो भी थे। तो हम एक, क्योंकि हमारी बहुत दोस्ती, ये हम खाने पीने, फरीदा जी बहुत आला औरत हैं और इसमें ख़ास तौर पर मोहब्बत करती थी मुझसे बड़ी, और हर अच्छे आर्टिस्ट से मोहब्बत था साथ नहीं, मेरा तो ख्याल ज़रूर होता है, मगर ये मोहब्बत भी तो इसीलिए होती है कि आप अच्छे हैं तो आपसे मोहब्बत की जा रही है ना, और वो जो कर रहा है वो आपसे बढ़ के अच्छा है मेरा, क्योंकि वो खुद इतनी बड़ी, हम लोग जब गुजरते थे कि उसमें लार्ज होटल होता था माल पे, बड़े ऐसे इतना आप रश ऐसे नहीं होते थे, जब हम सब लोग गुजरते थे तो हमारे लाहौरी, अल्लाह इनको सलामत रखे, लाहौर आबाद शाद रहे, पाकिस्तान आबाद शाद रहे, ये दाता साहब की नगरी है, इस पे बड़ी बरकत है मेरे बच्चे, क्योंकि हमने भी यहीं से शोहरत पाई, सीखा मुल्तान से, दुआएं मुल्तान की, और यहाँ लाज रखी दाता साहब ने, मेरे बच्चे हमने नाम पाया यहाँ से, इन्हीं बुजुर्गों की तुफैल से मेरे चाचा, हाँ, और मेरे बच्चे हम गुजरते थे तो सब लोग कहते थे वो देखो देखो शेरनी और शेर जा रहे हैं, गाने वाले को ये लगता था शेर और शेरनी, हम एक दूसरे को देखते थे और फिर झुकते होती थी इस बात पे, शेर और शेरनियों पे मेरे बच्चे बड़े टाइम होते थे, इनके वालिद हम रेडियो की कंटीन में बैठते थे, खान साहब अमानत अली खान सारे और खान साहब सलामत, सब हंसमुख लोग थे, अच्छे लोग थे, और फिर वो माहौल ऐसा होता था कि हमें नहीं पता था हम गाने वाले हैं, हंस हंस के दूरे होते थे, जब अंदर जाते थे तो गले खराब हुए होते थे, झुकतों पे इनके वाले सारे और इनके वाले इतने अच्छे, हमारे लोगों की इतनी अच्छी आते थी, सब अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ ही होते थे, ऐसा ही सीखते थे, देखते थे सब, और हम एक हम एक कुनबा होते थे, ऐसा ही बिल्कुल, अब नहीं है मेरे बच्चे, उस वक्त कुनबा भी ऐसा आला होता था कि एक एक जैसे एक डायमंड है और फुकराज है और एमरल है, रूबी है, मोती है, मेरे बच्चे ये चीजें एक दूसरे के दुख दर्द में भी बराबर के शरीक होने, खुशियों में एक क्या अच्छे दिन थे, हम तो नहीं उस दौर के, बदकिस्मती महसूस होती है, लेकिन जितना हमने अपने बड़े बुजुर्गों से रहा था आपने भी अपनी, लेकिन मैं तो किताब का, अच्छा मैं सॉरी बात इंटरप्ट करने लगी थी, इतने वाकयात हैं मैम, जी अब इनको मैंने कन्विंस किया कि अम्मी आप अपने वाकयात बताएं, तो उस पर काम मैंने शुरू कर दिया कि इनकी कुछ हम बायोग्राफी को, इनके जो वाकयात थे उनको थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग करना चाहिए और फिर उसको रिटर्न में, यानी भी तो एक ट्रेजर होगा, एक एसेट होगा, ये तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चलिए ये तो बहुत अच्छा जी। सो अब सिलसिला कुछ यूं है, चूंकि लास्ट सेगमेंट है, लास्ट राउंड डब स्मैश होगा, आपने कहा था आपको एक्टिंग का बड़ा शौक था, तो अब आपको हम मौका देंगे, डबिंग करनी है मैम, अब टीम्स कैसे बनेंगी अब बताएं, एक मेल एक फीमेल होगी, हनी आप किसके साथ हो जाएं, सुरैया जी के साथ हो जाएं, देखिए दो जो बहुत अच्छे लगे दो दो जूनियर्स और राहत और मनान बैठे यही ना, बैठे आप रहेंगे, अच्छा एक क्लिप दिखाएंगे, थोड़ा सा शायद अदला बदली अगर करनी हो तो देख लीजिएगा, एक क्लिप हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, उस क्लिप को आपने देखा समझा आपने उस पर डबिंग करनी है, अच्छा पहले हम क्लिप देखते हैं उसके बाद फैसला करेंगे किस टीम ने उस पर डबिंग करनी है, ठीक है अपनी तरफ से, हाँ अपनी तरफ से आपने जुमले बोलने, डायलॉग सेम नहीं होने, जी क्लिप दिखाएं आप, कमाल है भाई इतनी देर से हॉर्न दे रही हूँ सुनते नहीं है, वो मैं बस शायद अपने ध्यान में था, इतना तो बेखबर आदमी अपने नहीं किसी और के ध्यान में होता है, आपका अंदाजा सही, क्या मतलब, कल से हम लोग बड़ी परेशानी में हैं, आई मीन माय होल फैमिली, क्या हुआ, वो मैंने आपको अपने बड़े भाई फरहान के मुतालिक बताया था ना, हाँ हाँ क्या हुआ उन्हें, उन्हें कुछ नहीं हुआ, अलबत्ता कोई सीरियस बात है, मेरा मतलब एनीथिंग आई कैन डू, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आइए कहीं बैठकर तफसील से बात करते हैं, जी दिन ड्रामा सीरियल पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर की पेशकश अमजद इस्लाम अमजद साहब ने लिखा, यूब खावर साहब ने डायरेक्ट किया, रेशम और नबील को आपने एक्ट करते देखा, अच्छा जी अब कौन एक्टिंग इस पे करेगा, डबिंग राहत और मनान कर लें इस पे, देख ले मैं और अपना सुरेश जी भी कर सकते हैं, फिर आप इधर आ जाइए, पहले तो इधर बैठ जाइए, इधर आ जाए, अपनी फूफी कहो, अच्छा अब डायलॉग्स आपने अपनी मर्जी से बोलने हैं, लेकिन जब रेशम बोलेंगी तो हाँ रेशम बोलेंगी तो मैम आपने बोलना होगा, जब नबील बोलेंगे अपनी मर्जी का, हमें तो बचपन में शौक होता था बट डन है, बड़े जब बड़े हुए तो गाने में पड़ गए, आज कुछ क्रिएट कर लिया, आपने मेरे अभी चार सफेद बाल नहीं देखे, मैं ज्यादा बूढ़ी हूँ, चले एक दफा
जब स्टार्ट हो जाएगा मैं आपको क्यू दे दूंगा, आप खुद खुद चलें जी, स्क्रीन की तरफ देखना है एंड क्लिप दिखाइएगा अब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। एक्चुअली मैं स्टूडेंट हूं और आप क्या, अच्छा माशाल्लाह। अब बात ये है कि रेशम की जगह पे आपने कुछ इतने डायलॉग्स लगा। असल में मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं लेकिन मुझे शर्म भी आ रही है। क्यों, क्या आप कुछ मांगना चाहते हैं? आपने तो बूझ ही लिया, मेरे पास पेट्रोल नहीं है इस वक्त। उफ अल्लाह, कोई पिस्तौल वगैरह तो नहीं है ना? नहीं, मैं शीशा ही चढ़ा लूं। पिस्तौल होता तो मैं पेट्रोल ना पवाता। मगर आप क्या, बहुत मजबूरी है, कितने का डलेंगे जी? मुझे 100 रुपए अगर आप, के हजार का नहीं, 100 रुपए ही दे दें। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत सस्ती जान छोटी। प्लीज देखें जी, मैं दे रही हूँ 100 रुपया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैप हो जाए। Excellent, excellent ma'am. Very good. आपने कभी Thank you. अम्मी ने सही पूछ लिया कि वो पेट्रोल पेट्रोल 150 मैं दे देती हूँ आपको, प्लीज दे देखो बात है। 100 आ गया। Excellent, excellent, well done. अच्छा जी, टीम बी आपके लिए डिफरेंट क्लिप होगा, पहले वो क्लिप देखेंगे। चलिए जी क्लिप दिखाएं। Let's see. जी। ये खबर है, पता नहीं अच्छी है या बुरी। खैरियत, क्या हुआ? मेरी अटैचमेंट आ गई है बॉस्निया के लिए। सच? और अब कह रही है बुरी खबर है? पूरे एक साल की अटैचमेंट है, जनसा वारंटी अमेरिका बैठे हुए हैं। मैं तुम्हें अकेली कैसे छोड़ जाऊं? जाना कब है? 2 हफ्ते बाद। तो कोई बात नहीं, मैं अम्मी अबू को फोन कर दूंगी, वो आ जाएंगे गांव से। वैसे भी मैं जाना नहीं चाहता, एक साल मैं नहीं रह सकता। जीएस, क्या हो गया आपको? आपको तो खुश होना चाहिए, मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं कि जो ऑफिसर्स अटैचमेंट पे जाते हैं वो कितने सिलेक्टेड होते हैं। होते होंगे। क्लिप आपने देख लिया, अल्फा ब्रावो चार्ली शोएब मंसूर साहब के लिए क्लैप हो गया। अच्छा जी, अब जरूरी नहीं इसको सीरियस रखने, आप फनी कर सकते हैं, डायलॉग्स बदल लें, कोई टॉपिक हो सकता है, मर्जी आपकी है। लेकिन जारी बताते हैं ये क्या स्टार्ट करते हैं, फिर मैं उसके पे बिल्कुल स्क्रीन की तरफ हम देखेंगे और क्लिप दिखाइएगा अब जी। शादी करने लगा। किसे, कौन है वो बेचारी? तुम्हें क्यों बताऊं? पता तो होना चाहिए मुझे। ये तो बड़ी खुशी की खबर है कि आप जरूर शादी करें, मेरी तो जान छूटे। तेरा क्या बनेगा करियर? मेरा कुछ नहीं बनेगा, मैं बहुत खुश रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम खुश? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश रहूंगी। नहीं, मुझे लग तुम्हारी फिक्र जरा लग गई है। अगर मैं कहती कि ना करो तो फिर तो आपको ज्यादा होनी चाहिए थी। तुम इतना करो, रिंग बेचना शुरू कर दो, साबुन सो बस, क्या करोगे जरा से? नहीं, तुमने कुछ करना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं करना, मैं बहुत खुश रहूंगी, मैं अपने आप को बहुत अच्छा रखूंगी। और शुक्र जान छुट्टी, ये रोज खाने बनाने से और ये रोज तुम लोग की खिदमत करने से, थैंकलेस जॉब है औरत की। नहीं, कोई कोई ढंग का काम ढूंढो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन भाई कि शादी में और वो बेगम, अब तो बेगमात खुश होती है, आपने बड़ी बात कर दी है, ये तो मतलब कि ये तो गुस्सा नहीं किया? हाँ, ये तो बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है। बट भाई हमारी तो फेवरेट सुरैया जी, सो टीम ए ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमें तो आते ही नहीं था, बड़े एग्जैक्ट डायलॉग, उनकी केमिस्ट्री कितनी मिली कि वो पूछ गई कि पेट्रोल के पैसे मांगे। हां देखिए ना, ये स्पॉन्टेनियस, हां स्पॉन्टेनियस, आप दोनों ने भी बहुत अच्छा किया। बट थैंक यू सो मच सुरैया जी, अल्लाह खुश रखे मेरे बच्चे आपके मुंह से। सुरैया जी, अच्छा माँ कहो, फूफो कहो, कोई रिश्ते से खाला कहो, तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना मेरे बच्चे। और आपने फिर सर पे हाथ भी फेरना है, तो खुश रखिए अल्लाह ताला, बड़ी उम्र दे अल्लाह ताला, आपके नसीब अच्छे हो हर तरह से आप, बहुत शुक्रिया। और दुनिया आखिरत आकबत अच्छी हो आपकी मेरे बच्चे, अल्लाह ताला आपको मुसलमान रखे, अल्लाह ताला अल्लाह पाक, बहुत शुक्रिया। हमारे लिए तो लता यही है, बिल्कुल ऐसा ही है, मोर देन, मोर देन बड़ी, मेरे वो तो बहुत बड़ी है मेरे बच्चे, हम तो उनके पासिंग भी नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, आपको जो प्यार मिला है, कोई पैदा होगा मेरे बच्चे। नहीं नहीं, जो प्यार आपको मिला है, जो अपनाइयत मिली है, जो दुआएं आपने समेटी हैं और समेट रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह अल्लाह का बहुत करम है, बहुत करम है अल्लाह का।
कि मैंने इतना पैसा नहीं समेटा जितनी दुआएं और मोहब्बत समेटी। यही तो मुश्किल काम है सबसे ज्यादा, यही तो मुश्किल काम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हनी, बहुत शुक्रिया राहत, थैंक यू मनान, थैंक यू हुमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शवरमा प्रोग्राम के बाद अब हम खाएंगे इंशाल्लाह। राहत, आपकी परफॉर्मेंस पे की तरफ बढ़ने से पहले खुदा हाफिज़ ख़वातीन ओ ज़ात, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। जी ग्रैंड क्लोज।